और आप देख रहे हो कि टेक्निकल फ्रेंड आज हमारे पास एक ये लैंप रिपेयर करने के लिए आ रखा है। ये वाला देख दिया था कि पूरी एलईडी खराब होगी बोल रहा। तो भाई ये एलईडी पूरी शॉर्ट हो रुकी है, देख सकते हो पूरी शॉर्ट हो रुकी है, शॉर्ट होती गई उन्होंने वो करते रहा। चलो एक बार हम फिर भी चेक कर लेते हैं कोई एलईडी सही है या नहीं है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रख लेते हैं, देख सकते हो फ्रेंड। अब हम एक एक करके एलईडी चेक कर लेते हैं। देख सकते हो फ्रेंड पूरी शॉर्ट बता रही है। देख सकते हो फ्रेंड पूरी शॉर्ट बता रही है। देख सकते हो पूरी एलईडी खराब है इसकी। एंड हमें क्या करना है, इसको हम अलग रखे हम हमारे पास आप देख सकते हो। देखिए ये एलईडी है, इसको हम लगाते हैं इसकी। देख सकते हैं ये अच्छी तरह वर्क कर रही है। ये वाली एलईडी लगाएंगे हम इसमें, को हमें किस तरह लगाना था हैप्पी क्यूब की मदद से हम इसे इस तरह चिपका लेंगे। इसको इसको हम अलग रखते हैं, पहले इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। हमने ये हैप्पी क्यूब की मदद से चिपका लिया है इसे इतना, और यहाँ से आप जितना बचा हुआ है इसे हम कट कर लेंगे यहाँ से। देख सकते हैं फ्रेंड हमने ग्रीन वायर प्लस पे और ब्लैक वायर माइनस पे लगा दिया है। अब हम इसे लाइन देख देते हैं। देख सकते हो फ्रेंड ये अच्छी तरह वर्क करने लग गया है, इसमें दो एलईडी नहीं जल रही है। दो एलईडी इसलिए नहीं जल रही फ्रेंड क्योंकि इसका पावर उतना है नहीं, इसकी सप्लाई का इतना पावर नहीं है। तो फ्रेंड अब हम इसको पैक कर लेते हैं। इसके पीछे से ऐसे खुला दिया था तो हम इसे ऐसे ही पैक कर लेते हैं फ्रेंड। इसमें भी हम हल्का हल्का फेवी क्यूब डाल देते हैं दो तरफ से, अच्छी तरह बिठा के इसमें फेवी क्यूब डाल देते हैं दो उधर से। देख सकते हो फ्रेंड ये हमारा लैंप ओके हो चुका है, थोड़ा वर्क करने लग गया है फ्रेंड। ऐसे ही आप भी लैंप को रिपेयर कर सकते हो फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।